तो आज के सारे वीडियो में मैं अपने माइनक्राफ्ट हार्डकोर वर्ल्ड में अपने फुली डायमंड आर्मर को मैक्स एंचेंट करने वाला हूं। उसके बाद मैं बनाऊंगा एक छोटा सा प्यारा सा बेस क्योंकि मेरे पास अभी कोई घर नहीं है। देन एंड में मैं अपने डायमंड आर्मर को कन्वर्ट करने वाला हूं नेदरराइट आर्मर में। ये सारा का सारा काम एक ही एपिसोड में करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है बट हम लोग करके रहेंगे। यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट हार्डकोर। वेल तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में मैंने अपने वर्ल्ड में ढेर सारे अलग अलग एएफके फार्म्स बनाए थे। अब उन सब में से माल इकट्ठा करने के लिए मैं काफी देर तक सब में एएफके बैठा हुआ था। लेट्स गो, जल्दी से चलके माल इकट्ठा करते हैं। पहले तो भी मैंने अपने सारे के सारे छोटे मोटे इंपॉर्टेंट काम निपटा लिए हैं और अब मैं जाने वाला हूं डायरेक्ट अपने डायमंड आर्मर को मैक्स एंचेंट करने के लिए। तो सबसे पहले मुझे जाना होगा नेदर में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार एंचेंटिंग करने के लिए नेदर जाने का क्या मतलब है। तो देखो गाइस, मैं विलेजर से डायरेक्ट ट्रेड नहीं करने वाला हूं। मींस पहले मैं उनको ज़ॉम्बीफाइड विलेजर में कन्वर्ट करूंगा, उसके बाद उन्हें क्योर करके ठीक करके ट्रेड करूंगा ताकि मुझे सारी की सारी ट्रेड सस्ते में मिल जाए। बट उन्हें क्योर करना आसान काम नहीं है। उन्हें क्योर करने के लिए मुझे गोल्डन एप्पल चाहिए होंगे, वो तो एक बार को मिल जाएंगे, बट हमें कुछ पोशंस चाहिए होंगे और पोशंस बनाने के लिए चाहिए होती है ब्लेज, और ब्लेज मुझे मिलने वाली है नेदर फोर्ट्रेस में। ओके लेट्स गो, फटाफट से चलते हैं नेदर में बिना किसी देरी के। और आज मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है कि क्या मैं ओ तेरी भी मैं आया ही हूं। और इसको देखो भाई साहब, ये यहां पर एक सेकंड निकल यहां से, फुल चौड़बाजी दिखा रहा है। डायमंड आर्मर वाला बंदा देखा नहीं और तुरंत फैल रहा है। लेट्स गो, बाकी यार एक मिनट, मेरे को लग नहीं रहा कि मुझे दूर दूर तक यहाँ पर फोर्ट्रेस मिलने वाला है। बैक साइड में एक छोटा सा लावा पुल है, वहाँ पे जाना बेवकूफ़ी है। सामने वाली साइड थोड़ी बहुत ओपन दिख रही है, वहाँ पे क्या यार, यहाँ पर भी दूर दूर तक लावा पुल नहीं है, लावा समुद्र है तो पूरा का पूरा। वेट, मैं लेफ्ट में चलता हूँ यार, यहाँ नीचे क्या है, एक सेकंड रास्ता जा रहा है क्या कोई, एक सेकंड यहाँ नीचे भी लावा है भाई। वेट, मैं नहीं जाने वाला, बुरी तरह गिरूंगा और मर जाऊंगा। बाकी सामने जाना तो मेरे को बेकार लग रहा है, उतने ब्लॉक्स है नहीं। बाकी सामने एक बोन स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, वहां से मेरे को ढेर सारे बोन ब्लॉक्स मिल जाएंगे। बैक साइड मैंने अभी तक चेक नहीं करी है, एक बार बैक साइड देख लेते, क्या पता फोर्ट्रेस पास में ही वहां पे भी बोन है। तो अभी ना मैं फटाफट से चल के थोड़े बहुत बोन ब्लॉक्स कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास जो ट्री फार्म है उसमें बहुत ज्यादा बोन मील की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ से मेरे पास ढेर सारे इकट्ठे हो जाएंगे। और सामने एक घास घूम रही है, बट कोई नहीं, मेरे को उससे डर नहीं लग रहा, जैसे ही आएगी रिफ्लेक्ट कर दूंगा उसी की फायर चार्ज उसके ऊपर। ठीक है ठीक है, ये लावा मेरे को पहले तो रोकना पड़ेगा क्योंकि मैं अगर इस ब्लॉक को तोड़ूंगा ये गिर के सारे जल जाएंगे। तो आराम से इसे तोड़ के फटाफट सारा का सारा कलेक्ट कर लेते हैं। ढेर सारे तो नहीं थे बट ठीक है, थोड़े बहुत मिल गए हैं, इससे ढेर सारा बोन मिल निकल कर आ जाएगा। बाकी यहाँ पर सामने भी यार ओपन एरिया तो है ढेर सारा, पर दूर दूर तक ना कुछ भी नजर। वेट, इस वाली बायोम में फोर्ट्रेस, हेलो एक सेकेंड, खैर ठीक है अभी हमें फोर्ट्रेस मिल चुका है, पता नहीं कैसे, मैं तो बस यहाँ पर बोन ब्लॉक कलेक्ट करने आया था। फूड वूड खाते हैं क्योंकि अभी हमारी लड़ाई होने वाली है ब्लेस से। ओके डन, तो मैंने ढेर सारे ब्लॉक्स कलेक्ट कर लिए हैं और अब टाइम आ चुका है ब्लेस से फाइट करने का। वैसे ये इतनी ज्यादा खतरनाक बात नहीं है क्योंकि मैंने उन्हें आयरन आर्मर में पीटा हुआ है और इस टाइम तो मेरे पास भाई डायमंड आर्मर। और एक सेकंड, उसने मेरे पे शायद से पीछे से अटैक कर दिया और सामने कुछ वेदर स्केलेटन्स हैं। भाई तुम थोड़ी देर ना दूर रहना, मैं इनका रास्ता ही बंद कर देता हूँ, टाप के ना आ जाए बस ये। ओके अबे कहाँ से मार रही है, दिख भी नहीं रही। ओ राइट में बैठी हुई है, पीछे से खास ने मारा यार। यार अलग ही हिसाब हो रखा है इस वाली बायो में फोर्ट्रेस का, यहाँ पे ब्लेज भी पीटेंगे तो घास भी पीटेगी। ओके गाइस, तो अभी ना मैंने सारी की सारी फालतू डायरेक्शंस ब्लॉक कर दिए हैं क्योंकि मैं एक बार में एक या दो ही डायरेक्शन से फाइट कर सकता हूँ। आगे पीछे से अटैक होगा तो मैन बच जाएगी। बाकी मैं यहाँ से आगे जा रहा हूँ, जगह थोड़ी बहुत डेंजरस है। वेट वेट वेट, लेफ्ट साइड में गाइस एक विद्र स्केलेटन अकेला खड़ा हुआ है, इसमें भर दूंगा बताओ। ये देखो भाई, ये अलग ही चूर है ना, नीचे ही कूद गया। वेट पहले ना थोड़ी बहुत जगह ब्लॉक करी जाए, अकेला भाई इसको लपेटूंगा मैं। ओके ओके ओके, अभी उसके अगल बगल थोड़े बहुत पिकलिंग्स है पर मेरे को कुछ कहने नहीं वाले, चुपचाप। ओ आ रहा है तो गुस्से में आ रहा है, एक सेकंड एक मिनट। हाँ अब बोले फालतू क्या बोला, निकल तेरी ऐसी की तैसी, आजा 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 तेरा निकल। ए ओ भाई इसने, वेट इसने तो गाइस हमें एक विदर स्केलेटन स्कल ही दे दिया पहली बार में ही। मैंने इस वर्ल्ड में पहले विदर को मारा और उसने स्कल ड्रॉप कर दिया।
लेट्स गो भाई, ये भी एक नेक्स्ट लेवल लक है। खैर ठीक है, आजकल तो हमसे विदर भी डरने लग गए हैं। एक ही बार में सुनी देती है कि उसकी पूरी बिरादरी ना पीटू में। ठीक है, तो चारों तरफ मैंने ब्लॉक कर दिया और ये आंख कौन लगा रहा है भाई। तो अभी बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया, फटाफट से चलते हैं ब्लेज को मार के ढेर सारी ब्लेज रॉड इकट्ठी करने के लिए। बट लड़ने से पहले मैं सारे के सारे फालतू रास्ते ब्लॉक कर देता हूँ। हाँ भाई, कौन फालतू बोल रहा था, एक सेकंड, इसको पहले उधर पैक करो और ये भी बंद कर देता हूँ और इस तरफ वाली साइड भी मैं बंद कर देता हूँ। ये ही देखो, इसको निकल इधर। एक पड़ी भाई, ब्लेज रॉड नहीं दी बदतमीज भाई। ब्लेज जब चारों तरफ से एक साथ ढेर सारी स्पॉन हो जाती है ना, तब असली बैंड बजती है। बाकी मेरे साथ ये नहीं होने वाला है क्योंकि मैंने चारों तरफ के रास्ते ही ब्लॉक कर दिए हैं। डन। तो अभी मेरी एचपी फुल हो चुकी है और टाइम आ चुका है इन लोग को पीटने का। चार पांच ब्लेज है बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं क्योंकि अपने पास एकदम मस्त एरिया है अच्छा खासा। मैंने अपना छोटा सा फोर्ट्रेस बना लिया है यहाँ पर एक, ताकि मैं कहीं पर भी जाके छुपू, बाकी यहाँ पर से ब्लेज ना मिला इधर। ओ गाइस, तो फाइनली हमें ब्लेज रॉड मिल चुका है और फटाफट से ढेर सारी ब्लेज को लपेट के ब्लेज रॉड्स इकट्ठी कर लेते हैं। ओके गाइस, तो भी ब्लेज के पूरे के पूरे खानदान को अच्छे से लपेट दिया और अपने पास ढेर सारा ब्लेज रॉड इकट्ठा हो चुका। तू कैसे निकल यहाँ से दूर, ये पता नहीं कैसे बच गया, मैं जाग कर रहा था। खैर ठीक है, अभी मैं फटाफट यहाँ से भागने वाला हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि यार थोड़ा बहुत फोर्ट्रेस लूट ही लिया जाए। क्योंकि एक मिनट यार, यहाँ पर जो विदर स्केलेटन स्कल्स है ना, मेरे को इनसे भाई बिल्कुल डर नहीं लगता, इन्हें भी अच्छे से लपेटेंगे। थोड़े बहुत नेदर वॉर्ट हैं, ये कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये भी काफी सारे काम आएंगे पोशंस बनाने में। तो ढेर सारे नेदर वॉर्ट्स मैंने इकट्ठे कर लिए। यहाँ पर एक चेस्ट, ओ वेट, चेस्ट में से मुझे डायमंड नहीं मिल गए, लेट्स गो। थोड़े बहुत नेदर वॉर्ट उठा लेता हूँ, ये डायमंड आर्मर और सैडल सब कुछ ही ले ले रहा हूँ भाई। अभी सब कुछ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, गोल्ड नेदर वॉर्ट सब कुछ ले लूंगा भाई सारी चेस्टों में से। ये फोर्ट्रेस सच्ची में बहुत ज्यादा सही है, काफी ठीक ठाक लूट मिल रही है। एक और डायमंड आर्मर, वाओ, पहले मैं इसको इतना रेयर समझता था पर मजाक है यार इसका मिलना। तो यार ये फोर्ट्रेस ना सच्ची में बहुत ज्यादा बड़ा है और काफी ज्यादा कंफ्यूजन वाला है। तो फटाफट से चारों तरफ घूम घूम के इसे लूट लेते हैं। शुरुआत में थी यार इस फोर्ट्रेस के अंदर अच्छी लूट, उसके बाद तो कुछ भी खास मिल नहीं रहा। बस ये विदर स्केलेटन ने अलग जीना आराम करा हुआ, जल्दी मार ले। जब इसे दिख रहा है कि मैंने शील्ड लगा रखी है लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा, इसके रख के पड़ेगी। इधर आइयो, निकल यहां से। ओ भाई, एक और विदर स्केलेटन स्कल मिल गया, वो भी तुरंत। भाई अब तो मैं एक और विदर स्केलेटन स्कल लेकर जाने वाला हूँ, चाहे मुझे उसके लिए कितने भी स्केलेटन मारने पड़ जाएं। आ जाओ स्केलेटन, अब तो तुम्हारी गंदी बैंड बजेगी। इधर आजा आजा, तेरी ऐसे की तैसे, निकल यहाँ से। पे यार इफेक्ट दे दिया, अबे पिटा, इफेक्ट मिल ही गया तो अच्छे से पीटो, इसने नहीं दिया। खैर चलो कोई नहीं, लपेटने वाला हूँ मैं सबको। भाई शुरुआत में तो मिल गया लेकिन तीसरा वाला स्कल तो मिलने का नाम ही नहीं ले रहा। और एक सेकंड, अच्छा इफेक्ट लगा हुआ है, मैं वही सोचूं मार को ना। ओह फिट भाई, मेरी एचपी बहुत ज्यादा कम है। एक सेकंड, लो मैं मरने वाला हूं, मैं मिल्क भी नहीं है यार मेरे पास, एक फूड खाना पड़ेगा। बढ़ जा, हेल्थ बढ़ जाए। लो सारे रास्ते बंद कर देता हूं क्योंकि अगर एक और स्कल आ गया ना बैंड बच जाएगी भाई। मैं लिटरली माइनक्राफ्ट हार्डकोर वर्ल्ड में हाफ एचपी होकर आया हूं भाई, मेरे पास टोटेम होना चाहिए वरना भी कसम से अंदर से तो मैं मर ही चुका था अभी लिटरली। भाई छोड़ो यार तीसरा वाला स्कल, मैं यहाँ से जा रहा हूँ सच्ची में। ओ तेरी यार, ये तो भाई अभी इन्होंने निकलने भी नहीं देंगे मेरे को, भाई नहीं है यार। एक मिनट, मैंने रास्ता ब्लॉक कर दिया, लपेट थी। आप बोलिए फालतू, इसके पैर ही पैर पे पड़ेंगे। हाँ क्या बोल रहा था, हाफ एचपी का हाफ मिल गया। फाइनली मिल गया हमें तीसरा वाला स्कल भी। यार मैं ब्लेज इकट्ठी करने आया था और तीन विदर स्कल लेकर जा रहा हूँ और बेचारे विदर भी पिटने वाले हैं। अब तो मुझे थोड़ी बहुत और लालच आ रही है और ये ब्लेज ना सुधरेंगी नहीं। रुक जाओ बेटा, अभी मैं तुम्हें और पीटूंगा और भी ढेर सारी ब्लेज इकट्ठी करके ले जाऊंगा। ओके गाइस, तो मैं इधर से ढेर सारी लूट करने के बाद वापस आ चुका हूँ। वहां पर बस मैं ब्लेज रॉड्स लेने गया था बट लेकर आया हूँ डायमंड्स, विदर स्कल, वो भी तीन तीन, और साथ में कुछ डायमंड हॉर्स आर्मर और ढेर सारी ब्लेज रॉड्स। लेट्स गो। तो भी फटाफट से ना सबसे पहले मैं एक यहाँ पर ब्रूइंग स्टैंड बना लेता हूँ और इसको यहीं पर रख देते हैं क्राफ्टिंग टेबल के ऊपर। और मेरे को बॉटल्स वगैरह और काफी सारी चीजें इसमें बनानी है। फिलहाल के लिए तो मैं ब्लेज कन्वर्ट कर लेता हूं ब्लेज रॉड से और इसको इसमें रख देता हूं। पोशंस बनेंगे ग्लास बोतल में और ग्लास बोतल बनने वाली है ग्लास से और ग्लास बनने वाले हैं सैंड से, तो इसलिए ढेर सारी सैंड इकट्ठी कर लेते हैं। ओके, तो ढेर सारी सैंड को मैं डाल देता हूं फर्नेस में। और मेरे पास यार कोल ही नहीं है ज्यादा, एक मिनट, कोल भी माइन करने जाना पड़ेगा क्या। ओके, तो ढेर सारे ग्लास बन चुके हैं। अब इन ग्लास से मैं ढेर सारी ग्लास की बॉटल्स बना लेता हूँ और इसके अंदर पानी इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि पोशंस बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बॉटल ऑफ वाटर है।
डन गाइस, तो सब कुछ हो चुका है और टाइम आ चुका है अब पोशंस बनाने का, जिससे हम लोग विलेजर्स को क्योर करने वाले हैं। यप गाइस, तो अपने स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस बन चुके हैं जिससे हम लोग विलेजर्स को क्योर करने वाले हैं। तो फटाफट से मैं थोड़ी बहुत ना और ये आई कलेक्ट कर लेता हूँ, बोटल्स वगैरह रख के थोड़े बहुत और एक्स्ट्रा पोशन बना लेते हैं। और अभी जब तक चल के मैं इन विलेजर्स को थोड़ा बहुत खाना पीना भी खिला देता हूँ ताकि यहाँ पर कुछ नए विलेजर्स आ जाएं। और फिर अभी मेरे को लाकर यार इन्हें लैक्टन वगैरह भी देनी है ताकि ये लोग जल्दी से लाइब्रेरियन बने, क्योंकि लाइब्रेरियन ही हमें एन्चेंटिंग बुक्स देने वाले हैं। गाइस, सबसे पहले ना मुझे एक छोटा सा एरिया बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब एक विलेजर ज़ॉम्बी विलेजर बन जाएगा तो वो मेरे को पीटने के लिए आएगा और फिर वो इधर उधर भागेगा, वो मुझे पसंद नहीं है। तो छोटा सा एरिया बना के उसे हम लोग कैद कर लेंगे। तो एरिया बन चुका है और थोड़ी बहुत मस्त डेकोरेशन भी हो चुकी है, कुछ इस टाइप की फील आ रही है। चारों तरफ बेड ही बेड लगे पड़े हैं और अब हमें चाहिए होंगे ज़ॉम्बीज और उनको मिलवाना है विलेजर्स। तो सामने से एक ज़ॉम्बी चलता हुआ आ रहा है जिसने अपने हाथ में एक्स ले रखा है। अबे इसको सीधा तो पकड़ ले, अच्छा शवल है, सॉरी। अच्छा एक मिनट, लावा में निकल तेरी भैंस की टंग, तेरी जरूरत नहीं है। हमें इस टाइम पर एक ऐसा ज़ॉम्बी चाहिए जो बस कोई ब्लॉक उठा ले ताकि नेम टैग की जरूरत ना पड़े। उठा ले, उठाया क्या, बड़े बदतमीज हैं यार। अभी डायमंड कार पर गिरा दूंगा, वो दो सेकंड में उठा लेंगे। ये तू उठाएगा भाई। भाई साहब ये शक्तिमान, इधर निकल यहाँ से। वैसे पता पूरा आर्मर पहन के आया हुआ, इतना गंदा लग रहा है स्केलेटन। कह ठीक है, अभी मेरे को और ज़ॉम्बी मिल गए, इनमें से लग रहा है कोई ना कोई तो उठाएगा। तू हटना दो मिनट यार, उधम काटा हुआ, निकल यहाँ से। ओ उसने उसकी स्पाइडर आई उठा ली शायद से। लेट्स गो, बस हमें यही वाला ज़ॉम्बी चाहिए क्योंकि वो आई उठा चुका है। ओए गोलम, गोलम वहां जा रहा है, नहीं तो तेरी भैंस की, गोलम ने मार दिया और अभी मेरे को मारने आ रहा है। अलग ही है भाई ये लग रहा है गाइस, ये लग रहा है मुझे उठा लेगा, इसकी शक्ल बता रही है। इधर आ भाई, ये ले डर्ट, इसको उठा के दिखा। ओके चलो अपना काम हो गया, अब इसको लेकर चलते हैं कैद करने के लिए। तो फटाफट यहाँ से मैं एक दो बोट कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि टाइम आ चुका है इन विलेजर्स को ज़ॉम्बी विलेजर्स में कन्वर्ट करने का। लेट्स गो भाई, चलो चलो चलो, ज्यादा टाइम नहीं, भाई जल्दी बैठो, लेट्स गो। अभी हमने यहाँ से एक विलेजर उठा लिया है, बट सामने का रास्ता हमें तोड़ना पड़ेगा। वेट, इसको हटा दो पहले सामने से, बाकी अब मजा आने वाला है। ये जगह मैंने काफी ज्यादा मस्त सी बना दी है। चल भाई, गेट लग गया वापस। ओ ये खुद आ रहा था भाग के। चलो भाई मामला फुल सेट है, फटाफट से इस वाले ब्लॉक को तोड़ देते हैं। और अबे ये वहां नहीं जाएगा, मेरे को पहले यहाँ से जाना पड़ेगा, तभी ये जाके उस विलेजर को मारेगा और वो ज़ॉम्बी विलेजर बनेगा। वेट थोड़ी देर में बैठता हूँ, वो जा रहा है और आई थिंक अबे वो उसकी बोट में जाके बैठ गया। बट या फाइनली उसने उसको ज़ॉम्बी विलेजर बना दिया है और अभी बस मेरे को ज़ॉम्बी को वापस वहां पर भेजना है और इसकी जो बोट है वो भी मेरे को यहाँ से छीननी पड़ेगी। चलो भाई दोनों के दोनों उतर उतरो, हमारी ऐसी की तैसी बोट में बैठने का, नदी हो रही है पूरी, नाव चलाने बैठ गए। अबे ऊपर नहीं नीचे, हाँ भाई साहब अब इसको बंद करना काफी मुश्किल होने वाला है यार। ओके दोनों अंदर, दोनों अंदर नहीं एक बाहर रहना चाहिए, बस क्या मस्त सेटअप बिठा है। चल भाई चल, अब इस वाले को यहाँ से लेकर चलता हूँ दूसरे पिंजरे में। चलो भाई, पहले विलेजर को हम लोग उसके पिंजरे में लेकर आ गए और इतना घोचू है चुपचाप आता भी जा रहा। बोट अलग उठा लिया हाथ में, ले भाई तू ये पोशन इसके मुंह पे, तेरी भैंस ले। चलो भाई, इसको अभी हमने क्योर पे लगा दिया है, पटाखे बच चुके हैं और थोड़े बहुत पोशंस मैं यहीं पर रखवा देता हूँ क्योंकि मेरे को अभी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है एप्पल्स वगैरह की। जब तक ये क्योर हो रहा है तब तक हम लोग चल के दूसरे काम निपटाते हैं। पेपर्स में यहाँ पर रखवा देता हूँ क्योंकि लाइब्रेरी से ट्रेड करने के लिए इसकी जरूरत बहुत पड़ने वाली है। हेलो ब्रो, क्या मस्त दिख रहा है। एक मिनट, पहले यहाँ पर ब्लॉक्स लगा देता हूँ ताकि ये मूवमेंट कम करे। ले भाई ट्रेड ले। ओके वो लाइब्रेरियन बन चुका है। मल्टी शॉट, पागल है क्या, दूसरी ट्रेड दे मेरे को, मैं चाटा बजा दूंगा कसम से बहुत तेज। एक मिनट, फ्लेम भाई ये पिटेगा मेरे से, पिट जाएगा, तो प्रोटेक्शन वगैरह दे दे मेरे को। चैनलिंग
पगला गया क्या ढंग की ट्रेड दे यार। ये देखो बुक सेल्फ। हाँ। देखो यार सबसे पहले ना मुझे मेंडिंग चाहिए और उसके लिए मुझे कितनी बार भी ये लैक्टन तोड़ के लगाना पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जब तक ये मेंडिंग नहीं देगा तब तक मैं ये हरकत करने ही वाला हूँ। भाई साहब इस बंदे ने पूरी जिंदगी नष्ट कर दी है लेकिन ये मुझे मेंडिंग देने का नाम ले ही नहीं रहा है। भाई कोई भी ढंग की ट्रेड देते। ओह वेट, सिल्क टच दे रहा है। इंपॉर्टेंट तो नहीं है ज्यादा, बट या कुछ नहीं से तो बढ़िया ही है। एक एमरल्ड की मिल रही है, मेरे पास 5 एमरल्ड्स पड़े हुए थे यार। ओके ये रे 5 एमरल्ड्स, फटाफट चल के यार यही ट्रेड कर लेते हैं। एक मैं अपनी पिकैक्स पे लगा लूंगा और एक अपनी मैं शवल पे लगा लूंगा। गाइस अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यार आखिरकार ये बंदा बिना एक्सपी फार्म बनाए कैसे इन विलेजर्स से ट्रेड करता जा रहा है और अपने टूल्स को अपग्रेड करता जा रहा है। तो एक टाइप से आप लोग कह सकते हो न्यू मेटा है, क्योंकि हमें एक्सपी की जो जरूरत है वो एक्चुअली है नहीं। हमें जो एक्सपी चाहिए वो हमें इन विलेजर्स से ट्रेड करके मिलता जा रहा है। और अगर एक्स्ट्रा एक्सपी चाहिए होगा तो मैं कोल ट्रेड कर सकता हूँ, दूसरे आर्मरर वगैरह से आयरन ट्रेड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इनफाइनाइट फार्म है तो एमरल्ड मिलते रहेंगे और बाकी ट्रेड्स इनसे होती रहेगी और एक्सपी भी मिलती रहेगी और इजीली अपना आर्मर बन जाएगा। ओके गाइस तो फाइनली पूरे के पूरे 4 घंटे बाद हम लोगों ने अपना डायमंड आर्मर फुली मैक्स कर लिया है। डायमंड आर्मर छोड़ो, सारे के सारे टूल्स भी मैक्स हो चुके हैं। बाकी एंशिएंट्स देखो एक बार, एक डायमंड का जो हेलमेट है उस पे अनब्रेकिंग मेंडिंग प्रोटेक्शन थॉर्न्स, सब कुछ एकदम मैक्स लेवल का लग गया है। चेस्ट प्लेट भी अपनी मस्त हो चुकी है, सब कुछ हो गया यार। वैसे ये रही अपनी पिकैक्स और मतलब जितने भी टूल्स हैं ना वो भी पूरे मैक्स, सब कुछ जो जो लग सकता था सब लगा दिया है। तो चलो गाइस अपना एक टास्क डन, फटाफट से हम लोग चलते हैं अपने सेकंड टास्क पे। ओके तो अभी ना मैंने प्लान करा है कि मैं ना एक छोटा सा प्यारा सा बेस बनाने वाला हूं और ये अपना टेंपरेरी हाउस होगा, ये अपना मेन बेस नहीं है। इस वर्ल्ड का मेन बेस बाद में बनने वाला है, फिलहाल मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत यार सर पे छत हो जाए रहने के लिए, सोने के लिए, क्योंकि जब भी रात में सोता हूं कभी ज़ॉम्बी आके मारते हैं, कभी फैंटम आके उठा देते हैं, तो वो पसंद नहीं है। लेट्स गो, फटाफट से चल के थोड़ा बहुत एरिया क्लियर करते हैं जहां पर मुझे वो बेस बनाना है। गाइस एक बारी अपनी शवल देखो भाई, सब कितनी ज्यादा फास्ट काम कर रही है। वैसे ज्यादा फास्ट मुझे इसलिए लग रही है क्योंकि मैं इतने दिनों से भाई एक नॉर्मल शवल चला रहा हूँ। ओके तो मस्त थोड़ा बहुत एरिया क्लियर कर लिया है। अब मैं काम करता हूँ, थोड़ी बहुत वुड कलेक्ट करके ना ढेर सारी चेस्ट बना लेता हूँ और इस चेस्ट के अंदर मैं वो सामान रखने वाला हूँ जो भी हमारे घर को बनाने के लिए चाहिए। घर बनाने के लिए यार मुझे ढेर सारा स्टोन भी चाहिए होगा, तो फटाफट से चलते हैं अपने स्टोन की एफ के फार्म पे और यहाँ से ढेर सारा मैं स्टोन कलेक्ट कर लेता हूँ। गाइस काफी ज्यादा दुख हो रहा है मुझे क्योंकि इस पूरे के पूरे खुले एरिया में मुझे बस एक यही जगह पसंद आई है जहां पर मैंने एक काऊ का मस्त तबेला बना रखा था, बट अभी मैंने सबको मार दिया है क्योंकि भाई साहब यहां पर अब मेरा घर बनने वाला चाहे कुछ भी हो जाए। मैं सोच रहा हूं लगे यहां इतना शीप को भी निपटा देते हैं क्योंकि घर के बगल में मेरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। चलो भाई चलो तुम्हारा होगा, बहुत सारा फूड भी मेरे को मिल जाएगा और इनके लिए छोटा सा एरिया मैं साइड में दोबारा बना दूंगा। यहां पर जो डर्ट है ना इस एरिया को भी यार थोड़ा बहुत क्लियर कर देते हैं, काफी गंदा दिख रहा है। यार शवल का ना काफी ज्यादा इस्तेमाल कर दिया आज मैंने, बिचारी की एचपी यार लिटरली खत्म होने वाली है। तो फटाफट से चल के यार इसको रिचार्ज करते हैं, मतलब थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करूंगा मैं इनसे। मेरे पास यहाँ पर ढेर सारे आयरन हैं तो शायद इस आयरन से मुझे एक्सपी मिल जाएगी ढेर सारी और अपनी जो शवल है वो पूरी की पूरी रिचार्ज हो जाएगी।
सा घर बनाने के लिए मुझे ग्लासेस तो चाहिए ही होंगे और ग्लासेस मुझे मिलने वाले हैं सैंड से, बट यहाँ पर ना यार थोड़ी थोड़ी सैंड ही है। मैं काम करता हूँ, जहाँ मेरा स्पॉन था वहाँ बहुत सारी थी। ओके, इस एरिया की मैं बात कर रहा था, देखो अब बस मुझे अपनी शवल को चलाते जाना है और भर भर के सैंड मुझे मिलती जाएगी। तो ये एरिया काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है और मैं रेडी हूँ अपना घर बनाने के लिए और मैंने ढेर सारा सामान भी इकट्ठा कर लिया। कुछ कुछ सामान है जिसकी जरूरत बाद में पड़ेगी तो वो तब बना लेंगे, बट यार अभी बेस बनाते हैं और पूरे घर को कंप्लीट करते हैं। तो बेस की शेप मैंने रेडी कर दी थी, यहाँ से ना थोड़ी बहुत वुड ले लेते हैं और चलकर मैं इसको लगाने वाला हूँ। अभी ये जो बेस है ना, ये थोड़ा सच्ची में ज़्यादा ही छोटा है और मैंने कुछ ज़्यादा ही एरिया इसके लिए क्लियर कर दिया, बट यार ये मस्त लगने वाला है ना, ओपन में रहेगा। तो लेट्स गो, यहाँ पर मस्त एकदम कॉर्नर कॉर्नर में ना वुड लगानी है मुझे पहले कुछ इस टाइप से। वेट एक सेकेंड, यहाँ पर एक ग्रास उठा लूँ पहले। तो ये यार ये गलत लग गई, इसको हटाओ। यहाँ से मुझे थोड़ा सा अप करके हर एक कॉर्नर में लगानी है। घर के पिलर तो कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ से मैं थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए आया था और पता नहीं मैं क्यों हर थोड़ी थोड़ी देर में सामान भूल जाता हूँ यार। अब मैं एक ही बार में लेकर जाऊँगा कसम से। यहाँ पर वुड, ग्लास और दरवाज़ा भी ले लेता हूँ लगे हाथी, और क्या चाहिए होता है। अंदर का डेकोरेशन का सामान तो बाद में ले जाएंगे, फिलहाल अभी ये लेकर चलते हैं। चलो भाई, घर की रूफ भी इसी के साथ कंप्लीट हो चुकी है, बस यहाँ पर थोड़ी बहुत डर्ट मुझे और लगानी है। डन, कंप्लीट। अपने छोटे से प्यारे से बेस का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, अब फटाफट से मैं काम करता हूं, इसको पूरा कंप्लीट करता हूं क्योंकि इंटीरियर डिजाइनिंग में काफी टाइम जाने वाला है। ओके, तो फाइनली मैंने अपने छोटे से प्यारे से बेस को पूरा कंप्लीट कर दिया है और इसके चारों तरफ मैंने कैट्स को भी लाके बिठा दिया है ताकि अपने घर के आसपास क्रीपर बिल्कुल भी मटके बिना। बाकी एक बारी अंदर से देख लो कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। इस छोटे से बेस में हर एक चीज है जो एक घर में होनी चाहिए, मतलब आर्म स्टैंड, सारी की सारी चेस्ट, बैरल, सब कुछ है। बाकी इस घर का मैं खास टूर आपको कुछ देने नहीं वाला, जो भी है वो आपने देख ही लिया। बाकी यहाँ ये घर बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है बाहर से, क्योंकि सर्कल शेप का हाउस मैंने माइनक्राफ्ट में पहली बार बनाया है। बट यार जो भी है, अपना सेकंड टास्क भी डन है, अब फटाफट से हम लोग चलते हैं थर्ड टास्क पे, जो कि है नेदरराइट का आर्मर बनाना। नेदरराइट के फुली आर्मर एंड टूल्स बनाने के लिए मुझे बहुत सारे एंशिएंट डेब्रिस चाहिए होंगे, जो कि मुझे मिलने वाले हैं नेदर में बहुत सारी माइनिंग करके। तो मैं पिकैक्स से माइनिंग नहीं करने वाला हूं, वरना बहुत टाइम लगेगा। हम लोग TNT ब्लास्ट कर करके सुरंगे बना देंगे और सारी माइनिंग कर लेंगे। तो सुरंग बनाने के लिए मुझे बहुत सारे TNT चाहिए होंगे और TNT में मिलने वाले गन पाउडर फार्म से। तो सबसे पहले मैं बनाने जा रहा हूं एक गन पाउडर फार्म। तो सबसे पहले तो मुझे वो एरिया डिसाइड करना होगा जहां पर मुझे गन पाउडर फार्म बनाना है। आप लोग को पता होगा कि जब क्रीपर मरता है तो हमें गन पाउडर मिल जाता है, यानी एक छोटा सा एरिया हमें बनाना पड़ेगा जहां पर क्रीपर स्पॉन हो जाए। तो ये जगह मेरे को ठीक लग रही है, फटाफट से इसको पूरा का पूरा फ्लैट करते हैं। तो अभी फटाफट से मैं भाग कर आ चुका हूं अपने घर पे। जो जो सामान मुझे गन पाउडर फार्म बनाने के लिए चाहिए वो मैं सारा का सारा यहां से कलेक्ट कर लेता हूं। ओके गाइस, तो अभी गन पाउडर फार्म बनाने के लिए जितनी भी चीजें चाहिए थी वो मैंने सारी की सारी लाकर इस चेस्ट में रख दी है।
ओके, तो मैंने पूरा का पूरा क्रीपर फार्म बना लिया है। अब मुझे यहाँ से ढेर सारा गन पाउडर मिलता जाएगा। बस मुझे यहाँ पर एएफके बैठना है, क्रीपर स्पॉन होगा, मरेगा, गन पाउडर मिलेगा, डन। तो एएफके बैठे बैठे काफी ज्यादा देर हो गई है और लेडर से उतरता हुआ जाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए यहाँ पर मैं एकदम मस्त जंप करने वाला हूँ। लेट्स गो। देख रहे हो भाई एमएलजी, अभी भी एक क्रीपर मर ही रहा है। ओ भाई साहब, लेट्स गो। बहुत सारा गन पाउडर आ चुका है, बट टीएनटी बनाने के लिए सिर्फ गन पाउडर नहीं, थोड़ी बहुत सैंड भी चाहिए होती है। तो सैंड के लिए मस्त एरिया तुम्हारा। रही तो सैंड स्टोन आ गया, लेट्स गो। सारी सैंड इकट्ठी करते हैं यहां पर जितनी भी है। चलो भाई, सैंड गन पाउडर दोनों एकदम भर भर के मैंने कलेक्ट कर लिया है। अब फटाफट से मैं थोड़ी बहुत टीएनटी बना लेता हूं। एक तो यार मेरे को चेस्ट ना सॉर्ट करनी पड़ेगी, सारा का सारा माल इधर उधर मस्त फैल रखा है एकदम। लेट्स गो, पहले इसके अंदर सैंड रख लेता हूं। यहां से थोड़ा बहुत गन पाउडर उठा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा आधा आधा ले जाता हूं और यहां से थोड़ी बहुत सैंड उठा लेता हूं। डन। बहुत पूरी पूरी इन्वेंटरी भरनी है। लेट्स गो, अब चल के फटाफट से ढेर सारे टीएनटी बना लेते हैं। पता नहीं कितने बनने वाले हैं। भाई साहब, इतनी सारी सैंड डालती और तीन स्टैक ही बनकर आए हैं। डन गाइस, तो बहुत सारे टीएनटीज मैंने यहां पर क्राफ्ट कर लिए हैं और अब टाइम आ चुका है नेदर जाने का। तो चलते हैं नेदर असली तबाही मचाने और माइनक्राफ्ट का सबसे पावरफुल आर्मर बनाने के लिए। ओके, मैं नेदर आ चुका हूं और एक बारी आप लोग देखो मेरी पिकैक्स कैसे काम कर। अरे भाई तेरी बहन, निकल यहां से, दम काट रहा है। लेट्स गो। अभी मेरे को थोड़ा बहुत ना पहले स्टार्टिंग में तो नीचे जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में वहां पर एक टनल बनाऊंगा और उसके अंदर हम लोग टीएनटी को लगाएंगे और सारे के सारे पूरे ब्लास्ट कर देंगे। ओके, तो मैं डिक करता करता काफी नीचे आ चुका हूं, बट मैं यार सच्ची में बहुत किस्मत ही खराब है यार, पता नहीं कैसी जगह पर आ गया हूँ। वो जगह यार सच्ची में बहुत ज्यादा खराब थी। अभी मुझे कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां पर आसपास कोई लावा पूल ना हो, वहीं पे मैं टनल बनाऊंगा। अदरवाइज क्या होता है, टीएनटी ब्लास्ट होंगे और अगर लावा आया तो टीएनटी के ब्लास्ट का कोई फायदा ही नहीं होगा। गाइस, तो अभी मैं घूमते घूमते पता नहीं कहां पहुंच गया हूं, बट एक बार आप लोग ऊपर देखो, मुझे एक और फोर्ट्रेस मिल गया है या फिर ये वही पुराना वाला है, मुझे कोई आइडिया नहीं। वैसे हो सकता है वही पुराने वाला हो क्योंकि वो बहुत बड़ा था, बट ठीक है, अभी मेरे को फोर्ट्रेस नहीं जाना, मेरे को टनल ढूंढनी है। ओके, तो अभी मुझे एक और मस्त जगह मिल चुकी है, शायद से यहाँ पर आसपास कोई भी लावा नहीं होगा, तो फटाफट से हम लोग अपनी यहीं पर टनल बनाते हैं और एंशियंट डेब्रिस को ढूंढते हैं। लेट्स गो। ओ वेट, एंशियंट डेब्रिस, तेरी भैंस की, एंशियंट डेब्रिस मिल गया लेकिन लावा नहीं जला दे। रुक जा भाई, रुक जा, मेरा आर्मर इतना पावरफुल है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और ये होने वाला है हमारी माइनक्राफ्ट हार्डकोर सीरीज का पहला एंशियंट डेब्रिस जो हमने कलेक्ट करा। लेट्स गो गाइस, पर मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता यार, लावा बहुत। अरे 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 अरे, अबे पीछे 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 मर ही जाऊंगा मैं भगवान। वैसे यार एक बार ही ना मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि जहां पर एंशियंट डेब्रिस होते हैं ना हमेशा उसके आसपास है। मैं कह रहा हूँ यार ये लावा भरा पड़ा है पूरा, मैं तो तेरी भैंस की ले एंशियंट डेब्रिस तो मैं लेकर ही जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसको तोड़ो, बगल से लूंगा भाई, दो दो थे। लेट्स गो, आसपास चेक करो कोई लावा तो नहीं। भाई कितना लावा घुसेड़ रखा है लावा में पूरा एंशियंट डेब्रिस। वेट वेट वेट, पहले यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकल के भोजन कर लूँ क्योंकि मैं मरना नहीं चाह रहा, मेरे पास टोटेम भी नहीं है यार, ऐसे की तैसे हो जाएगी। ठीक है, ओके, फटाफट से एंशियंट डेब्रिस को माइन कर लेता। अरे यार चल गया मैं, पता नहीं कलेक्ट हुआ या नहीं हुआ, चेक कर लेता हूँ। भाई साहब इतना मुश्किल तो कभी नहीं हुआ यार माइन करना, कसम से। वो वाले डायरेक्शन में तो अपनी बात नहीं बनी, किसी और डायरेक्शन में चलते हैं, शायद से यहाँ पर अपनी किस्मत काम कर जाए। वो काम कर जाए नहीं, काम कर गई, यहाँ पर आसपास एक भी लावा नहीं है। लेट्स गो, फटाफट से बस मुझे तोड़ते जाना है और यहाँ पर टीएनटी डिप्लॉय करके जब मैं इसे ब्लास्ट करूंगा आई थिंक 5 से 6 एंशियंट डेब्रिस तो मुझे मिल ही जाएंगे अब। ऑलराइट गाइस, तो अभी मस्त टनल मैंने बना लिया और टाइम आ चुका है टीएनटीज डिप्लॉय करने का। बस मुझे ध्यान रखना है कि कम से कम ना 3-4 ब्लॉक्स का गैप ही हो, उससे ज्यादा अगर गैप जाएगा तो टीएनटी कंटिन्यूअसली ब्लास्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पर दो दो ब्लॉक का गैप रखते हैं, मेरे हिसाब से एकदम बढ़िया रहेगा। लेट्स गो, अब फटाफट से बस मुझे इसे डिप्लॉय करते जाना है और बस ब्लास्ट करना है। Done guys, तो टाइम आ चुका है 1000 बम की लड़ी को जलाने का। लेट्स गो, एक पे फ्लिंट मारा और अब बस सामने का नजारा देखना आप। एक सेकंड थी, ओ वेट, लावा ना आया, बस अपनी किस्मत अगर बहुत ज्यादा अच्छी हुई। ओके, आते ही मुझे एक नहीं 3 एंशियंट डेब्रिस पास में ही मिल चुके हैं, बट शायद अभी टीएनटी की आग ही रुक गई वहां पे। वेट, पहले से कलेक्ट कर लूं। मतलब क्या होता है ना, यहाँ पर जितना भी लावा गिर रहा है ना, कभी कभार इनके बीच में भी एंशियंट डेब्रिस रहते हैं, तो वो भी मेरे को ध्यान रखने होंगे, सारे लावा रोक रोक के देखने। बाकी यार वहां पर ना शायद से थोड़ा बहुत ज्यादा गैप हो गया होगा, इसलिए टीएनटी इसका जो ब्लास्ट है ना वो रुक गया। बाकी आसपास कोई भी एंशियंट डेब्रिस मेरे को नहीं नजर आ रहा। फटाफट से भाग के चलते, लेट्स गो, अभी ऊपर चलते हैं। गाइस, ये ना एक छोटी सी ट्रिक है कि जो एंशियंट डेब्रिस है वो चंक बॉर्डर्स पे ज्यादातर मिलते हैं, तो क्यों ना मैं इसकी जो लाइन है इसी पे माइन करूं और यहीं पे टीएनटी डिप्लॉय करूं। ओके, तो अभी मैं माइन करता करता काफी ज्यादा लंबी टनल बना चुका हूं और हमें एक और मस्त न्यू एडवांसमेंट मिल चुकी है।
तो फाइनली गाइज मैंने ढेर सारा एंशियंट डेब्रिस कलेक्ट कर लिया और मैं वापस आ चुका हूँ अपने पोर्टल पे। टाइम आ चुका है अपने डायमंड आर्मर को नेदरराइट आर्मर बनाने का। ओके तो मैं आ चुका हूँ अपने स्वीट होम में ढेर सारे एंशियंट डेब्रिस लेके। फटाफट से इसको डालते हैं फर्नेस में और बना लेते हैं ढेर सारे नेदरराइट स्क्रैप्स। वैसे गाइस ये जो मेरी पिकैक्स और शवल है ना, माइनिंग के टाइम पर इनकी एचपी बहुत ज्यादा कम हो गई थी, तो जब तक एंशियंट डेब्रिस मेल्ट हो रहे हैं मैं चल के इन्हें फटाफट से हील कर लेता हूँ यहाँ पर थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करके। तो चलो गाइस अभी मैंने इनके साथ ट्रेडिंग करके अपनी सारे के सारे टूल्स फुल हील कर लिए हैं। मेरे को एमरल्ड्स रखने हैं तो मैंने ब्लॉक्स बना के रख देता हूँ, कम स्पेस घेरेंगे यार। लेट्स गो। तो नेदरराइट स्क्रैप्स मैंने कलेक्ट कर लिए हैं और टाइम आ चुका है नेदरराइट इंगिट बनाने का। तो फटाफट से इसे टूल्स में टेबल पे रख के अपने सभी आर्मर एंड टूल्स को नेदरराइट का बना लेते हैं। नेदरराइट की चेस्ट प्लेट भी बन चुकी है, नेदरराइट की पैंट भी मैंने बना लिया है, बूट्स भी हो गए और इसी के साथ हेलमेट भी हो गए और फाइनली मेरा पूरा का पूरा आर्मर नेदरराइट का बन चुका है। अब फटाफट से अपने सभी टूल्स को भी नेदरराइट का बना लेते हैं। तो चलो गाइस आज की सॉरी वीडियो में इतना ही। मैंने अपने माइनक्राफ्ट हार्डकोर सीरीज के थर्ड एपिसोड में ही नेदरराइट का फुली मैक्स आर्मर बना लिया है। तो आई होप आपको आज की वाली वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को जाके लाइक करना। एम करते हैं इस वीडियो पर 8 लाख लाइक के लिए। तो सभी लोग जाके जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में जाके इस वीडियो का बेस्ट पार्ट जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Yeah.